हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई हो अच्छे होंगे। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम, आज थोड़ा मौसम बारिश जैसा हो रहा था तो मेरा मन किया कि पूड़ी और पुए बनाने का। तो मैंने बनाई थी सूखी सब्जी, बच्चों के लंच में पूड़ी सब्जी रख दी थी, तो फिर मैंने कहा पुए भी सेक लेती हूँ। और इधर मैंने पुए सेक लिए और अपने लिए मैंने कहा बच्चों को दे दूंगी दोपहर में पुए आके, कि बच्चों को पुए बहुत पसंद है। देसी घी में मैं बनाती हूँ हमेशा से, और ये मैंने अपने लिए लंच के लिए पूड़ियाँ सेक ली हैं। तो इसमें मैंने सूट नहीं किया है खाते हुए का लंच, तो यहाँ पे मैं अभी पूड़ी सेक के रख दी हैं। तो फिर उधर मैंने कहा थोड़ी देर प्रेस कर लेती हूँ बच्चों की ड्रेस पे, तो यूनिफॉर्म पे मैं ड्रेस सॉरी प्रेस करने लग गई हूँ। बाकी कपड़े मैंने सुखा के सारे रख दिए थे। और इधर रीना भी काम कर ही रही थी, बीच में थोड़ा सा बाहर रह रहा था, तो मैंने को रीना को भी पुए दे दिए। मैंने कहा तू भी खा लेना बीच में उठ के अभी। तो ये कर रही हूँ मैं यूनिफॉर्म पे प्रेस। और बारिश जैसा मौसम हो रहा है इधर, और बच्चों का लगभग टाइम मेरे को लग रहा है कि होने वाला है। तो प्रेस है ना थोड़ी सी जमानी पड़ती है, वाइट ड्रेस है इनकी, तो थोड़ा सा भी रह जाता है तो दिखती अच्छी नहीं लगती। तो इधर हो गई है बारिश शुरू, और मुझे लग रहा है बच्चों को कैसे लिया जाए आज। मैं हो रही थी बहुत ज्यादा परेशान कि शायद लगभग 1 बज रहा था, घनघोर वाली बारिश हो रही है। ये दिखाती हूँ मैं आपको नजदीकी से, और इसके बाद और भी तेज हुई थी बारिश। तो फिर है ना बच्चों का टाइम हो रहा था, मेरे को थोड़ी चिंता भी हो रही थी। तो फिर मैंने ना सुबह एक आलू बॉयल कर लिया था बच्चों के लिए, मैंने बच्चे आने वाले तो मैंने उनके लिए भेलपूड़ी बना दी, प्याज टमाटर वगैरह सारा डाल के थोड़ा सा सॉस डाल लिया इसमें मैंने। तो अभी हो गया टाइम, अभी देखते हैं बाहर का कैसा मौसम है। बाहर जाके देखा, थैंक गॉड भगवान जी आपने मेरी सुन ली, बारिश बंद हो चुकी थी और मैं जा रही थी बच्चों को लेने। बनावे चढ़ता हाँ, है क्या कह रहा था? आपने ना मिलकर इस पे ठटी ठटी आउट हटी लाती है, तो आपकी तरफ से जो होता देख, है देख अच्छा। तो कल 27 लाई, तभी मैं तो कितनी हंसी कल थी। कल मैं तो खुशी हुई थी ना, तेरे भी आए थे तो अभी खुश हुई थी ना। आज मायर आके आए तो मैं, अरे मायर आके, अब बेटा बच्चे तो सब बराबर होते हैं। मार्क डजंट मैटर। सो गाइस, हम पहुंच गए और मोक्षित लड़ रहा है लड़ाई आज। मायर आ जाओ, मोक्षित कह रहा है कि मायरा के 30 out of 30 आए तो आप खुश हो रही हो, कल मेरे आए थे तो आप खुश नहीं हुई। तो इसको ना जलस हो रही है मायरा से। होगी जब आप उसके प्यार करोगे। अच्छा तो। सो गाइस, बच्चों को मैंने यहाँ पे बच्चों ने कर लिया है चेंज, और एक लग गया है फोन पे, दूसरा लग रहा है टीवी देखने। मैंने उनको दे दिया भेलपूड़ी, थोड़ी सी बच रही तो मुझे लगा मैं भी खा लेती हूँ। क्या मस्ती और होमवर्क? अभी टीवी चल रही है क्या? इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, टीवी देखने को रेस्ट, अभी मस्ती करेगा वाला, वो पता नहीं कैसी होगी। फोन में होगी मस्ती, सही है क्या? यही करेगा। सबको दिखा रहे तू पूरे खा रहा है। ये मोक्ष खा रहा है पुए, और ले लेना एक प्लेट में रख लेना, ऐसे चिकने मत करना, बैठ जाओ, बैठ के बैठ आराम से बैठ के। ये मोक्षित खा रहा है पुए क्योंकि पुए ना इसको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। दिया तो फिर भी कम कम पसंद करती है, अच्छे लगते हैं बहुत सारी चीजें पसंद।
सो गाइस अभी मेरा मन कर रहा है लेटने का, मेरा थोड़ी देर में लेट जाती हूँ, फिर आपको ट्यूशन जाना है, आप भी लेट लो, सोने का शोर है ये तो बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे सो गई हूँ और दिया ने मेरा सूट कर लिया था सोते हुए कि मम्मी के ये ब्लॉग का पार्ट है, चलो मैं सूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना 5:45 बज रहे थे तो फिर मैं दूध बनाने लग गई थी, क्योंकि वो मेरा टाइम होता है बच्चों को दूध रेडी करने का, अपने लिए चाय बना लेती हूँ उसी टाइम पे मैं। फिर उसके बाद इनको ट्यूशन छोड़ना होता है ना, आजकल दिया तो जा नहीं रही है ट्यूशन, नेक्स्ट मंथ से जाएगी, मोक्षिती जा रहा है अभी। तो यूँ यहाँ पे मैंने चौको दे दिया था, दिया भी सो गई थी, दूध चौको जिनको दे दिए हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:00 और दिया बेटा अपना दूध ले लो चौको वाला, और ये मोक्षी चौधरी ये देखो, इसीलिए मैं हमेशा बेड पे ना बैठा के ना नीचे बैठाती हूँ। दिखाओ अपनी करतूत, दूध उठावे वाला दिखाओ, दूध सबको दिखाओ, दूध फैला दिया हमने, दूध इसने दूध फैला दिया यहाँ पे, उसे पी ले अब। एक दिन मैंने ना, मैं थी नहीं घर से बाहर थी मैं, और ये मोक्षित दिया ने मोक्षित को दूध बना के दे दिया, तो इसने सारा बेडशीट पे फैला दिया, तो बेचारी ने कैसे कैसे करके संभाला इसको। उस दिन से मैंने सोच लिया है इनको ना बेड पे देना ही नहीं है, नीचे देना है, खासकर मोक्षित को तो देना ही नहीं है। तो अभी ये जाएगा ट्यूशन, दिया तो आजकल ट्यूशन नहीं जा रही, नेक्स्ट मंथ से जाएगी, कह रही थी मामा मैं इस मंथ में आप यहीं स्टडी कर लेती हूँ घर पे, तो मैं पी रही हूँ चाय। फ्रेंड्स आप भी सभी मेरे साथ पीजिए, और ये था मेरा यहाँ तक का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और अगले ब्लॉग के लिए बाय बाय।